वेलकम टू माय चैनल द कुक हाउस फ्रेंड्स। आज बनाएंगे हम मैंगो आम पन्ना रेसिपी। बहुत ही बढ़िया बनती है और झटपट से सिर्फ 5 मिनट में बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं। ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो ज़रूर बनाएँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें गाइस। तो इस तरीके से आए हुए मेहमान को भी आप बुलाकर पिला सकते हैं, बहुत खुश हो जाएंगे, उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं अपना आम पन्ना रेसिपी। तो गैस बनाएंगे आज आम पन्ना। गर्मी बहुत बढ़ गई है तो आप लोग ज़रूर इस आम पन्ना को बना करके पिए। तो उसके लिए हमने ले लिए हैं 4 मैंगो कच्चे ले लिए हैं गैस हमने। तो इनको छील लेंगे हम इस तरीके से, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग जरूर ट्राई करें एक बार लू से बचने के लिए। इसे आम पन्ना को बना करके ज़रूर पिएं और अपने घर वाले लोगों घर के लोगों को भी सभी को पिलाएं और बच्चों को पिलाएं। इस तरीके से ठंडा ठंडा पूरा बदन बढ़िया हो जाएगा आपका तन बदन। इस तरीके से छील करके कर लेंगे हम साफ सारे आमों को। तो गैस हमारे यहाँ 4 आम छील करके तैयार हो गए हैं, तो इनको काट लेते हैं। इनका जो डंठल है ना, इसको हम हटा देंगे अलग। इस तरीके से काट लेंगे हम। वैसे भी ये कच्चे आम है तो आराम से कट पा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो गुठलिए हैं इसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। तो गैस हमने सारे आम काट करके भी तैयार कर लिए हैं, अब इनको कर लेते हैं बॉईल। तो गैस बॉईल करने के लिए हमने रख दिया अपना फ्राई पैन। तो गैस को कर दिया हमने ऑन, तो ये अपने आम भी इसमें ऐड कर देंगे और लगा देंगे हम 1 गिलास पानी, जिससे हमारे अच्छे से बॉईल हो जाए, इतना पानी हम लेंगे। तो गैस यहाँ हमारे आम बॉयल हो रहे, जब तक बना लेते हैं एक चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 गिलास पानी। तो चीनी हम ऐड कर देंगे, हमें 1 तारी की बनानी है, मतलब हल्का हल्की गाढ़ी। तो इस तरीके से चला देंगे हम, रख देंगे पकने के लिए। तो गैस यहाँ ले लिया हमने पुदीना फ्रेश फ्रेश, कितना बढ़िया पुदीना है। तो इनके हम पत्ते 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 तोड़ लेंगे इस तरीके से। तो गैस इतना हमने पुदीना को साफ करके तोड़ लिया है, अच्छे से धो लिया है। तो ये हमारे आम भी बॉईल हो गए अच्छे से, तो इनको हम ठंडा करके फिर इसकी एक प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो गैस यहाँ हमारी प्यूरी भी ठंडी हो गई है अच्छे से, देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है, बिल्कुल अच्छे से पक गई है। तो अब इसे हम पीस लेंगे इसे जार में इस तरीके से डाल करके। तो इसमें ऐड कर देंगे हम पुदीना, 1 स्पून ले लेंगे हम काला नमक। तो 1 स्पून ले रहे हैं हम गैस से हम, तो 1 स्पून ले रहे हैं हम जीरा पाउडर, जिसको हमने भून करके पीस कर रख लिया था। तो आप लोग इस तरीके से भून के तैयार कर लें। तो बना लेंगे एक पेस्ट, तो हमारी यहाँ प्यूरी बनके तैयार है। तो गैस यहाँ हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है, कितनी अच्छी बन गई थी कि कुछ इस तरीके से बना करके तैयार कर लेनी है। तो इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी प्यूरी जो अभी हमने बना कर रखी थी, तरीके से कर लेंगे अच्छे से मिक्स इस तरीके से बढ़िया तरीके से। तो वैसे इसे हम पका लेंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक, कि ठंडा होने के बाद फिर थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है ये, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ही पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से। गैस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बहुत ही ज़्यादा इसकी, जो जीरा है पुदीना है काला नमक है, इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो देखिए गैस हम छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो गए, मतलब हमारा सीरा बन के तैयार है ही। तो देखिए इतना थिक चाहिए हमें, तो बस हो गया है सही। तो अब कर देते हैं हम गैस को ऑफ, कर लेंगे इसको ठंडा। तो देखिए गैस हमने गैस से नीचे उतार लिया है, तो अब इसे कर लेंगे ठंडा हम, फिर बनाएंगे इसका शरबत। बहुत ही टेस्टी लगता है गैस और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार घर पर ट्राई करें। तो गैस हमारा आम पन्ना जो बनाया था ठंडा हो गया, तो इसे अब छान लेंगे छलनी से। तो जो भी इसमें
कड़ वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे आम के। इस तरीके से चलाते हुए हम इसे छान लेंगे। तो हमने सारा आम पन्ना छान के साफ कर लिया, देखिए कितना अच्छा हो गया और इसमें थोड़ा बहुत निकला है। ये इस तरीके से आम के जो रेशे होते हैं बस वही निकले हैं थोड़े बहुत इस तरीके से। तो इसे हम हटा देंगे। तो ये ठंडा हो गया गैस अच्छे तरीके से। तो मैं ये ले रही हूँ कंटेनर, तो इसमें हम भर के रख देंगे कांच के में। तो गैस इस तरीके से बना कर रख लें, जब मन करे तब एक गिलास में 2 स्पून डालें और इस तरीके से बना करके तैयार कर लें। तो गैस ये वाला तो हम रख देंगे साइड में फ्रिज में, जब मन करेगा तब हम बना करके पी सकते हैं। तो ये बचा है जो मैं अभी सर्व करूँगी। तो गैस ले ली हमने यहाँ पर एक कटोरी प्लेट छोटी सी, तो मैं इसमें ले लूँगी 1 स्पून नमक और 1 स्पून लेंगे हम लाल मिर्च। तो दोनों चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गैस यहाँ ले ली हमने गिलास, तो यहाँ लेंगे हम नींबू एक, तो किनारी से इस तरीके से लगा लेंगे। तो जो नींबू मिर्च हमने रखा था तो इसमें इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जब हम पियेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से सारे ग्लास हम अपने तैयार कर लेंगे। तो सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, तैयार हो गए हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़े से आइस क्यूब्स, तो इनको एक एक डाल देंगे हम इस तरीके से। एक एक चम्मच डालेंगे हम इसमें अपना शरबत जो हमने भी बना के रखा है, सीरम मतलब मैंगो का। अब हमने इसमें ऐड कर देना है ठंडा पानी, एकदम चिल्ड चाहिए। अगर आप सादा पीना चाहते हैं तो सादा पानी को इस्तेमाल करें। तो ये लीजिए हमारा आम पन्ना बनकर के तैयार है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें और आप लोग इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करें। तो इस तरीके से हमारे 5 गिलास बनके तैयार हो गए। तो अब ले लेंगे हम थोड़ा सा पुदीना, इस तरीके से कर लेंगे हम डेकोरेट। तो गैस हम तो चल रहे हैं पीने के लिए अपना मैंग, बहुत टेस्टी हमारा शरबत बनके तैयार हुआ है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो लू से बचने के लिए ये बढ़िया है, आप लोग जरूर एक बार बनाकर तैयार करें। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें गाइस। तो मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।